यहाँ पे इसका इतिहास खूब प्रसिद्ध है। ये ऐसे बने हुए 110 साल हो चुका है, ये 1908 में बना था, यहाँ पर आए हैं। मेरा मानसिक स्थिति खराब है, इसलिए यहाँ आए हैं, यहाँ का दवा चल रहा है। क्या हुआ है आपको? हमको थोड़ा सा मेरा खानदानी मतलब पागल जैसे लगता था, तो हमको भी वैसे ही, इसलिए पहले से हम चेकअप करा रहे हैं। भविष्य में जज जी ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप हम जैसे बताया ना 105 साल पहले का स्ट्रक्चर है, और ये यूनिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पेशेंट अकेले भर्ती होता है, और शायद ही कहीं जगह होगा जहाँ पेशेंट अकेले भर्ती होता है बिना गार्जियन के। ये आखिर अंग्रेजों ने इस जगह को, स्थान को क्यों चुना ये अस्पताल के लिए, और इस स्थान का जो वेदर या क्लाइमेट वो बड़ा यूनिक है। बोला जाता है कोई थोड़ा सा भी इधर उधर का बात करता है तो लोग बोलता है कि आपको वहाँ भेजना होगा, रांची भेजना होगा, और जो जानता है वो एकदम कांके का ही नाम लेता है, रांची तो नहीं कांके बोलता है, जिनको तो कांके भेजना होगा। कुछ फेमस लोगों का भी यहाँ इलाज हुआ है, जैसे एक फेमस पोएट थे काजी नजरुल इस्लाम, उनका यहाँ इलाज हुआ था, वो यहाँ पे एडमिट थे। एक फेमस मैथमेटिशियन है, आप लोग जानते होंगे, जो पटना के हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनका लास्ट ईयर ही शायद डेथ हुआ, वो यहाँ भर्ती थे। यहाँ का इलाज दुनिया प्रसिद्ध है। तो जैसा कि हमने यहाँ के डायरेक्टर से बात तो किया, और उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया, इतिहास बताया। जन जन की आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए जन भारत की टीम रांची के कांके में पहुँची है, और आपने शायद सुना ही होगा कि कांके का नाम बच्चे बच्चे के मुंह पे चढ़ा रहता था पहले, कि कांके पागल खाना है, और शायद आज ये जगह आज भी मशहूर है, और पहले भी मशहूर था, काफ़ी मशहूर था। यहाँ पर विदेश से भी लोग आते थे इलाज करवाने के लिए, लेकिन आज ये जो कांके पागल खाना है ये लुप्त होता दिख रहा है, इसका जो नाम है ये लुप्त होता दिख रहा है। और आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के बाहर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या परेशानी है कि यहाँ पर हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्योंकि जब तक हमें यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगा एक डायरेक्टर से या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर से, तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। और कुछ पागल तो हमें बाहर चलते फिरते दिख रहे हैं, शायद हम उनको आपको दिखा पाएँ, और हम उनसे एक बार बात भी करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी बहुत लोगों से बात करने की, यहाँ के कर्मचारी से बात करने की कोशिश तो की, कैमरा में आने के लिए उनसे बात तो किया, पर वो कैमरा में नहीं आना चाहते थे। लेकिन हमने उनसे ऐसी ही बात करके इतिहास जानने की जब कोशिश की, तो उन्होंने इतिहास हमें बताया कि ये जो पागल खाना है, ये जो CIP पागल खाना है, ये ऐसे बने हुए 110 साल हो चुका है, ये 1908 में बना था, और जब ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, और उस टाइम पे इसे तीन क्लास में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में डिवाइड किया गया था। और उसके बाद जब पहले वो लोग इलाज करवाने आते थे, और जब हमने बात किया तो वो आज भी इलाज करवाने आते हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं जो आज भी इलाज करवाने आते हैं, और इसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरता है, और इससे मानसिक स्थिति में भी प्रभाव डालता है, और यहाँ पर नशा मुक्ति, मिर्गी का दौरा जैसे इलाजों के लिए, और जो बच्चे स्वस्थ नहीं रहते, अस्वस्थ रहते हैं, उनका भी इलाज चलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे आ जाए, जो भी पेशेंट आ जाए, वो बिना ठीक हुए, बिना स्वस्थ हुए यहाँ से वापस अपने घर नहीं लौटता है, और बीच बीच में डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए वो यहाँ पर आते रहते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा मानसिक स्थिति खराब है, इसलिए यहाँ आए हैं, यहाँ का दवा चल रहा है, तो हम अभी थोड़ा सा अच्छा अनुभव लग रहा है, ठीक हो रहे हैं। क्या हुआ है आपको? हमको थोड़ा सा मेरा खानदानी मतलब पागल जैसे लगता था, तो हमको भी वैसे ही, इसलिए पहले से हम चेकअप वेकअप करा रहे हैं। कितने टाइम से आप आ रहे हैं? मतलब करीब 2 महीना से। 2 महीना पहले आप यहाँ पे एडमिट भी थे क्या? नहीं, एडमिट नहीं है, लेकिन यहाँ इलाज चेकअप करा के दवा हुआ खा रहे हैं। तो कैसे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, कैसा इलाज आपको मिल रहा है? इलाज सही मिल रहा है, ताकि यहाँ जितना भी आ रहे हैं ना, सब ठीक हो के रहे हैं, इसलिए पूरा मतलब यहाँ सेंट्रल का है, पूरा हम लोग का ऑल इंडिया से आ रहा है, और यहाँ ठीक होके जा रहा है। पैसा भी कम लगता है? पैसा वैसा अभी तक तो दिए नहीं है, फ्री इलाज चल रहा है। आपका फ्री इलाज चल रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है,
अभी फ्री इलाज चल रहा है और ठीक भी हो रहा है। मतलब आप जब पहले आए थे और आज जब आप यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो रही है? ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। पहले कुछ हमको मतलब सुना सुना सा जैसे लग दिमागी स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन अभी पूरा ठीक हो रहा है। जैसा कि 2 बजने में कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही मिनट बाकी है, और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे बात ज़रूर करेंगे कि हमें परमिशन दे दी जाए अंदर जाने की। अगर हमें अंदर जाने मिलता है तो हम अंदर जाएंगे और आपको वहाँ की हर एक चीज़ अपने विजुअल, अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हमारे साथ CIP के डायरेक्टर डॉक्टर वासुदेव दास जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में। नमस्ते जी। देखिए, ये संस्थान 105 साल पुराना है। हम लोग 105वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं जो 17 मई को है। तो आप जान सकते हैं जी, ये स्थापित हुआ था अंग्रेज़ों द्वारा, और उस समय इनका नाम था जी केंद्रीय, ये आपका एसाइलम के नाम से जाना जाता था, यूरोपियन मेंटल एसाइलम। तो उस समय खाली यहाँ जो यूरोपियन मरीज होते थे उनका इलाज होता था, जो इंडियन मरीज होते थे उनका इलाज यहाँ पे नहीं होता था। और उसके बाद जब हम लोगों को आज़ादी मिला, उसके बाद एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया गया था, उसने इसका देखभाल किया। फिर अल्टीमेटली जाके इनको केंद्र सरकार ने ये किया, एक्सेप्ट किया, और उसके बाद से ये केंद्र सरकार के द्वारा ही चालित है। और यहाँ पे इसका इतिहास खूब प्रसिद्ध है, क्योंकि आप अगर देखेंगे जो विश्व के जाने माने ये मानसिक रोग का इलाज के लिए जो अस्पताल है उसमें इसका स्थान अग्रणीय है। क्योंकि जो लंदन में मॉड्सले हॉस्पिटल है वो इसी का रेप्लिका है, पहले ये बना और इसी के जैसा ही एकदम मॉड्सले हॉस्पिटल बना। और यहाँ का डिग्री जो पहले इसमें पढ़ाई भी होता है, और इस फील्ड में डिग्री पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अवार्ड होता था, फिर बाद में पटना यूनिवर्सिटी और फिर रांची यूनिवर्सिटी, अभी डिग्री रांची यूनिवर्सिटी से अवार्ड होता है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के अंदर क्यों नहीं जा सकता है? नॉर्मल पर्सन, देखिए, जब कोई आता है हमारे पास, हमारा एक केस रिकॉर्ड फाइल होता है जिसमें 14-15 पेजेस होता है, जिसमें अलग अलग हेडिंग्स होता है, और उसको उस हेडिंग्स में हम लोग पेशेंट का पूरा हिस्ट्री को एसेस करते हैं जो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कब से है, कैसे हुआ, नहीं हुआ। और फिर हम लोगों का कुछ तरीका होता है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं जे ये पेशेंट झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, और फिर हम लोग पेशेंट का भर्सन, गार्जियन का भर्सन या और भी लोग हैं उनके भर्सन, तो सब मिला के पहले कोई जूनियर डॉक्टर या स्टूडेंट उसका केस हिस्ट्री लेते हैं, फिर कोई सीनियर डॉक्टर से डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन के बाद ही ये निर्णय होता है जे इसमें सही में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, सही में प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब सही डायग्नोसिस होता है। फिर डायग्नोसिस के बाद उसको OPD लेवल पे ट्रीटमेंट संभव है कि उसको इनपेशेंट भर्ती होने का ज़रूरत है, वो सलाह दिया जाता है। बट मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर कोई इंसान आता है, अगर चाहता है कि वो जाके अंदर घूमे, वो देख सकता है कि ये बहुत मशहूर जगह है, बच्चे जानते हैं ये काके पागलखाना के नाम से सब जानते हैं, तो कोई एक नॉर्मल सा पर्सन जिसे देखना है, जिसे घूमना है, वो क्यों नहीं जा सकता है? देखिए, तब तो इसको आप तुलना हो जाएगा चिड़ियाघर के साथ। जैसे चिड़ियाघर में लोग जंतु जानवर को देखने जाते हैं, तो आदमी को ऐसा आप नहीं कर सकते हैं ना कि हाँ मरीज अकेले एडमिट होते हैं। यही अगर मरीज गार्जियन के साथ एडमिट होते तो सबके लिए अलाउ होता। जो हमारे भविष्य में जो अस्पताल आ रहा है वहाँ गार्जियन के साथ होगा और वो सब लोग देख पाएगा, तो इसलिए हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट का एक प्राइवेसी वाला बात है जिसको सबको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए।
भविष्य में जैसे ये देखिए ये स्ट्रक्चर अब हम जैसे बताए ना 105 साल पहले का स्ट्रक्चर है और ये यूनिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पेशेंट अकेले भर्ती होता है और शायद ही कहीं जगह होगा जहाँ पेशेंट अकेले भर्ती होते हैं बिना गार्जियन के। तो वो जो स्ट्रक्चर आएगा वो मॉडर्न स्ट्रक्चर आएगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगा जैसे आज के सब हॉस्पिटल है वैसा होगा, वहाँ पेशेंट के साथ गार्जियन रहेंगे तो आ सकता है। और इनफैक्ट वहाँ देखने का कोई कुछ रहेगा ही नहीं इंटरेस्ट। आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि ये इसको लेके बहुत चर्चा है जे आखिर अंग्रेज़ों ने इस जगह को, इस स्थान को क्यों चुना ये अस्पताल के लिए। उस ज़माने में कोई खास इलाज उपलब्ध नहीं था इस बीमारी के लिए और इस स्थान का जो वेदर या क्लाइमेट वो बड़ा यूनिक है। और आज के दिन में ठीक है सब जगह में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो गर्मी बढ़ा है तो यहाँ भी बढ़ा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ काइंड ऑफ नेचुरल एसी आप जिसको बोलते हैं वो चीज़ हुआ करता था। और ये चीज़ देखा गया है अगर हीट वेव ज़्यादा चलता है तो मानसिक संतुलन बिगाड़ता है लोगों का, वही चीज़ अगर कंट्रोल में रहे तो मानसिक संतुलन बरकरार रहता है। तो ये रीज़न रहा होगा इस प्लेस को चुनने का जो यहाँ का यूनिक वेदर क्लाइमेट जिसके वजह से जो यहाँ लोग शांत रहेंगे। उस समय तो दवा वगैरह या और इलाज नहीं था, जो बिना दवा से भी वो लोग काफ़ी हद तक यहाँ ठीक रहेंगे, शांत रहेंगे, ये सोच के ही हम मेरे ख्याल से यही सोच रहा होगा अंग्रेज़ों का जो ये स्थान चुनने का। देखिए ये आपने सही बताया कि हम आमतौर पे बाकी जगहों में ये बोला जाता है, कोई थोड़ा सा भी इधर उधर का बात करता है तो लोग बोलता है कि आपको वहाँ भेजना होगा, रांची भेजना होगा, और जो जानता है वो एकदम कांके का ही नाम लेता है, रांची तो नहीं कांके बोलता है, जिनको तो कांके भेजना होगा। तो देखिए ये समाज में अभी भी पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है हाल फिलहाल में और धीरे धीरे हो भी रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है। लोगों को एक्चुअली मालूम नहीं था या ये था कि मानसिक रोगी कभी ठीक नहीं होते हैं, इसका कोई ये लाइलाज चीज़ है। तो इस तरह का भ्रांतियाँ की वजह से लोग इसको इस नज़रिया से देखते थे। धीरे धीरे आजकल नज़रिया बदल रहा है, चेंज हो रहा है और लोग कई सारे चीज़ को लिए, इवन किसी का बीच में जो मैरिटल इशू है, फैमिली इशू है, करियर रिलेटेड इशू है, वो सब के लिए भी हम लोगों से आप लोग कंसल्ट करने लगे हैं। कि इवन सिंपल इंटरनेट एडिक्शन का प्रॉब्लम है उसको लेके भी तो लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है। और कुछ कुछ फेमस लोगों का भी यहाँ इलाज हुआ है, जैसे एक फेमस पोएट थे काजी नजरुल इस्लाम, वो उनका यहाँ इलाज हुआ था, वो यहाँ पर एडमिट थे। एक फेमस मैथमेटिशियन है आप लोग जानते होंगे जो पटना के हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनका लास्ट ईयर ही शायद डेथ हुआ, वो यहाँ भर्ती थे। तो ऐसे कई फेमस पर्सनालिटीज़ का भी यहाँ इलाज हुआ है। फैक्ट्स देखिए जे पहले लोग कम आते थे, लोगों का इलाज लंबा समय चलता था, आज के दिन में इतना इफेक्टिव इलाज आ गया है जे ज़्यादातर मरीज 2 से 4 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं, ज़्यादातर मतलब हम बोलेंगे 80%, और बाकी मरीज को थोड़ा सा ज़्यादा दिन लगता है, 6 वीक्स में भी मैक्सिमम 8 वीक्स, ज़्यादातर लोग 2 महीने से ज़्यादा कोई यहाँ एडमिट नहीं रहते हैं। और तो ये काफ़ी मतलब यहाँ का इलाज दुनिया प्रसिद्ध है। और इसका रिकॉग्निशन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, कुछ साल पहले भी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से उनको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, खासतौर पे साइकेट्रिस्ट का ज़रूरत था, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाले थे जो बाकी लोगों के लिए वो लोग एग्ज़ाम अलग से लेते हैं जे वो वहाँ के लायक है कि नहीं, उनके उनमें उस लेवल का कॉम्पिटेंस है कि नहीं। लेकिन वो लोग वो एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन था जे जो यहाँ से पास आउट है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बिना एग्ज़ाम के, तो मतलब इस लेवल का रिकॉग्निशन है। और हम यहाँ से पास आउट लोग दुनिया भर में, हमारे कंट्री में तो हर जगह पर मिलेंगे आपको, दुनिया भर में चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, हर जगह आपको मिलेंगे। मतलब आपका ऐसा कहना है कि जो भी पेशेंट आते हैं जो अगर बुरी से बुरी हालत में भी रहते हैं वो यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं? मैं तो ये बोलूँगा जे 100% तो नहीं, लेकिन मे बी आप बोल सकते हैं 99% लोग ठीक हो जाते हैं। बट एक ही चीज़ में दिक्कत होता है क्या, जे
ठीक होने के बाद कई सारे मरीज को या उसका घर वाले को लगता है मरीज अब ठीक है, उसका अब दवा का ज़रूरत नहीं है, तो वो दवा डिसकंटिन्यू कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके वजह से मरीज में फिर बीमारी वापस आ जाता है, रिलैप्स हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो जब हम लोग डिस्चार्ज करते हैं तो पेशेंट को और गार्जियन को हम लोग बोलते हैं उसको साइको एजुकेशन की, क्या बीमारी है, क्या इसको में करना है, क्या नहीं करना है, दवा कब तक खाना है, कब कब आके मिलना है, दिखाना है, ये सब सारे चीज़ का बात करते हैं। तो उसमें कई लोग उसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, जो रिलैप्स होते फिर दोबारा एडमिट होते हैं। सर अपना टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि हमने यहाँ के डायरेक्टर से बात तो किया, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया, इतिहास बताया कि यहाँ का 105 साल पूरा होने जा रहा है 17 मई को। और जो पेशेंट से हमने बात किया था, जो यहाँ के मरीज है, जो यहाँ चेकअप करवाने आते हैं, यहाँ एडमिट थे, हमने उनसे जब बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ हमारा इलाज चल रहा है, और हम यहाँ जब हम 2 महीने पहले आए थे तो थोड़ा दिक्कत होता था, बट अब मानसिक संतुलन हमारा ठीक हो चुका है, पर अंदर जाने का हमें परमिशन नहीं है, क्योंकि जो मरीज़ रहते हैं शायद वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि डायरेक्टर से जब हमने बात किया तो उन्होंने हर एक चीज़ हमें बताया, यहाँ का एक एक इतिहास बताया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।